यही चला के दिखाने की कोशिश की हो, लेकिन बीएसपीएस की इस जानलेवा लापरवाही के खिलाफ मामला दर्ज कर दिया गया है। अपनी लाजली को खो चुके इस परिवार को इस बात की उम्मीद है कि उनको इंसाफ जरूर मिलेगा। देवेंद्र भारद्वाज के साथ अभिषेक पाटनी, दिल्ली, इंडिया न्यूज। और अगर आपने गुलाम फिल्म देखी हो तो आपको याद होगा वो सीन जिसमें आमिर खान रेलवे ट्रैक पर दौड़ लगाते हैं और सामने से पूरी रफ्तार से ट्रेन आती रहती है। ऐन वक्त पर जब ट्रेन एकदम नजदीक आ जाती है आमिर खान हट जाते हैं। आमिर खान तो बच गए, लेकिन असल जिंदगी में एक 22 साल का नौजवान ऐसा ही कुछ करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। पूरी खबर बता रहे हैं हमारे खास रिपोर्टर मनोज। दिल्ली के गोवंडी इलाके में एक युवक को चलती ट्रेन के सामने स्टंट करना महंगा पड़ा। आमिर खान फिल्म गुलाम में रेलवे ट्रैक पर रेस लगाते हुए स्टंट करते नजर आते हैं। इस स्टंट को आमिर के जबरदस्त फैन रहे 12 साल पहले आई फिल्म गुलाम के स्टंट को आमिर के जबरदस्त फैन रहे नीलेश पिछले कई सालों से करते रहे हैं, लेकिन बीती रात ये स्टंट करना उनकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। मुंबई के गोवंडी इलाके में देर रात रेलवे ट्रैक पर स्टंट करते हुए नीलेश चलती ट्रेन की चपेट में आकर बुरी तरह घायल हो गए और अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जो एक्सीडेंट जो हुआ है, जो ये वाकया हुआ है,